क्या कहेंगी बाबा के बारे में जो आरोप उनको ऊपर लग रहे हैं? किस बाबा के ऊपर, भोले बाबा के ऊपर? ऐसा कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया आप? नहीं, गलत है ये, आप सब लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, सब अफवाह उड़ा रहे हैं, मीडिया वाले ये सब लोग, मीडिया वाले बिल्कुल। अच्छा, वहाँ जो घटना हुई, इतने लोग मर गए, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? हाथरस में जितने लोग मर गए वहाँ पे किसको आप मानते हैं कि नहीं, कि गलती से ऐसा हुआ, इतने लोगों की जान गई? उनकी गलती से क्यों है इसमें? उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि आप हमारी, आप हमारे यहाँ आओ या नहीं आओ, उन्होंने तो किसी घर गए नहीं बुलाने। अच्छा, हम समझ गया, आप समझ नहीं पाई बात है। और अभी पूनागढ़, वहाँ कहाँ पर, पूनागढ़ पे कहाँ पे बस पलटी है, वैष्णो देवी बस पलटी है, किसकी गलती मानो? एक हादसा, एक्सीडेंटल हादसा है, वो भी हादसा, वो भी हादसा हुआ है, जैसे वो, जैसे पूनागढ़ में हादसा हुआ है, ये भी हादसा ही हुआ है, या फिर किसी की साजिश हो गई, किसी ने करवाया होगा ये। बाबा के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं, आप लोग, आप लोग भक्त हैं और आपके बाबा पर उनका नाम उठा है, इसलिए इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं। अच्छा, बाबा का नाम, इसलिए उनका नाम इसमें किसी साजिश लग रही है मुझे, तो साजिश है ये, ऐसा 25 साल हो जा रहे हैं, कभी नहीं हुआ ऐसा, हर महीने होता है, आप जोड़ लो महीने में कितने दिन होते, साल में हर महीने होता है। आपके बाबा पर आरोप लग रहे हैं कि बाबा के ऊपर यौन शोषण का मुकदमा है, बहुत कुछ बोला जा रहा है, उनकी वजह से कई सौ लोगों की जान गई है, क्या कहेंगी आप अपने बाबा के बारे में? ये गलत बोला जा रहा है, ऐसा कभी 4-6-7 साल 8-9 साल और कभी ऐसा नहीं हुआ, हम भी सत्संग में जाते थे, कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। जो तो मौतें तो होती है, हर देवी देवता में जाता आदमी, वहाँ नहीं होती मौत, तो उसमें बाबा का क्या उसमें आरोप है? सत्संग आज जनसंख्या मानती नहीं है, वो तो मना करते हैं, हमारे दरबार में कोई जरूरत नहीं आने की, वहीं से हाथ पैर जोड़ो, वहीं से पूरा हो गया हर चीज़, भाई ये जनता मानती नहीं है। बाबा मना करते हैं, फिर भी 3-4 लाख लोग वहाँ कैसे पहुँच गए? ये उनको श्रद्धा है, उनके ऊपर विश्वास है, उनकी पूरी होती मनोकामना तो जाती है श्रद्धा से। मैं भी गई हूँ, मैं भी खो चुकी थी, मगर उनकी श्रद्धा थी, मैं बिरो मेरे पास एक महीने की लड़कनी खो गई थी, मैं कैसे उनकी श्रद्धा से नाम लेते हुए मैं लड़कनी में मिले पैसे दी उनके नाम लेके, मैं अपने घर तक अकेली रात को पहुँची। उन्हें ऐसे झूठा ये सब आरोप झूठा लगाया जा रहा है, उन पे कुछ नहीं है ये सब। अच्छा देखिए, हम तो बहुत दूर के हैं, क्या वाकई में बाबा जी से मुलाकात करने पे, इनके चरणों की धूल लेने पे दुख दर्द कट जाते हैं? हाँ, वो सब जो मांगेगा होता है सब पूरा उनसे। अच्छा, जो मनोकामना जो मांगता मिल जाता? हाँ, पूरा होता है उनसे। हाँ। अच्छा, आपको क्या मिला, कुछ आपने मांगा होगा, जब आपको कोई परेशानी रही होगी तो पूरा हो गया? मेरी तबीयत खराब रहती थी बहुत ज़्यादा, मैं अब ठीक हूँ। अभी ठीक हो गई? हाँ, बहुत ज़्यादा मैं सदा बहुत परेशान रहती थी, अब सही हूँ मैं। और मेरे घर में क्लेश बहुत होता था, मैं वो सब सही है, सब शांति हो गई घर में। घर में लड़ाई झगड़े होते थे, क्लेश होता था, किसी से पटता नहीं था, अभी सब? हाँ, सब शांत है एकदम, आप सुकून से आराम से रहते हैं। मैं अभी आपस में रहते, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तो सब श्रद्धा है, इसी वजह से तो सब मान रहे हैं, विश्वास है, श्रद्धा, इसीलिए बाबा को मान रहे हैं। आप भी मानती हैं ये सब? बिल्कुल। आपको भी कोई समस्या थी? हाँ जी, बिल्कुल, हमारे घर में झगड़ा होता रहता था हर वक्त। नारायणी को जब चढ़ में जुड़े, आज से तब से कोई झगड़ा नहीं होता कभी। मेरे पापा दारू पीते थे, उन्होंने भी छोड़ दिया बिल्कुल, प्रभु के आश्रम में, नारायणी के आश्रम में जुड़े, जब से सब बिल्कुल छोड़ रखा। बाबा से मुलाकात के बाद फायदा हो जाता है? बिल्कुल होता है, अपनी श्रद्धा रखोगे मन से दिल से, तभी तो फायदा होगा। अब बिना कहो कि हमें श्रद्धा नहीं है तो हम फालतू में ऐसे कोई किसी को कोई कैसे मानेगा? ना तो कोई देवी देवता जाए कि श्रद्धा ही में विश्वास है, हर कोई श्रद्धा होती है तभी नहीं जाता है। लेकिन दीदी, एक बात और है, जो छोटे छोटे ऐसे बच्चे दबके उसमें मर गए, कैसे तो मना करते हैं वो, हमारे मुँह बुलाते नहीं कि हमारे चरणों में आओ तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी, वो तो घर बैठे भी हो जाती उनकी। वो तो मासूम थे ना, उनके मर गए सैकड़ों बच्चे, और कैसे बुजुर्ग इंसान को देखना चाहिए कि हम बच्चे लेके जा रहे हैं, अगर वहाँ कोई बात हो जाए बच्चे को हमारे या हमें कोई बात, वो तो जनसंख्या को सोचनी चाहिए, इतना छोटा बच्चा लेके जा रहे हैं, वहाँ भीड़ है, कोई धक्का मुक्की में हम गिर जाए, बच्चा दब जाए, कुछ भी हो सकता, वो सब जनसंख्या को सोचना है, उनकी कमी नहीं है, जो ले जाना। अभी हमारा बच्चा छोटा, हम लेके जाएंगे तो हमें सोचना चाहिए, मैं बच्चा लेके जा रही हूँ, अगर मैं जरा धक्का लगे मैं गिरूंगी, नीचे बच्चा दबेगा, मुझ पर चोट आएगी, बच्चे को चोट आई, तो जनसंख्या को सोचना चाहिए। वो गलत आरोप लगाया जा रहा है उन पर, वो गलत है आरोप उन पर। तो एक चीज़ है, अगर इतनी सही आप बातें जो बता रही, सब कुछ बाबा से मिलने के बाद हो जाता है,
तो उनको रक्षा करना चाहिए था ना थोड़ा सा। ऐसे रक्षा करे तो किन किन पे करे, ऐसे आदमी देवी देवता में मानता है, देवी देवता में जाता है वहाँ, अब वहाँ विश्वास करके ही तो जाता है। देव आज जा रहे जम्मू कश्मीर मंदिर जा रहे, इतना चढ़ाव होता है वहाँ, विश्वास करते तभी तो जाता, किसी मनोकामना पूरी होती तब जाता है। अगर मान लो वहाँ कोई बात हो गई, खत्म हो जाता आदमी, तो वो बचा देते होंगे, जिंदा कर देते होंगे। भाभी जी कम से कम बच्चों पर तो दया करना चाहिए था, प्रभु को बाबा को उनको बचा लेना चाहिए था ना, जिनकी जाने गई हैं, जिनके बच्चे गए हैं, तड़प रहे हैं। अभी गंगा जी का मेला लगा, वहाँ खत्म है कितने लोग, तो वहाँ गंगा जी गंगा महारानी ने जिंदा कर दी होगी, इतने लोग मरे वहाँ जिंदा हो गए होंगे, उनने मनोकामना पूरी कर दी होगी। जिन वो तो जिंदा तो है, कोई भी स्थान हो, कोई भी देवी देवता तो जिंदा थोड़ी ना कर देता है कोई भी। ये तो रही इंसान है, मानो एक मूर्त है, मूर्त के लिए भगवान जाता है, इंसान जाता है हाथ जोड़ने के लिए, अगर कोई बात वहाँ हादसा हो जाता है तो जिंदा हो जाएंगे, कोई नहीं जिंदा, तो वो तो इंसान है, फिर इंसान है, उनके ऊपर मानते कोई शक्ति हो कुछ भी हो ये तो कोई जानता नहीं है, मगर कोई मनोकामना से उसकी पूछ हो रही है पूरी वो जाता है अपना, वो गलत है ना। लेकिन आपको फायदा हुआ है, आप मानती हैं बिल्कुल। ये देखिए बाबा के भक्त थे और यहाँ पर एक एक भक्त बैठे हैं, आपसे बात हुई ना भक्त? ये देखिए इधर एक एक लोग दिखाई, ये सभी बाबा के भक्त बैठे हुए यहाँ पे, बाबा के सेवादार हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं, बाबा से मिलते जुलते रहते हैं गांव के। यहाँ देखिए चाची ठीक हैं? ठीक है, अच्छी हैं? हाँ अच्छे हैं। बाबा के बारे में क्या कहेंगी? अब कह मेरे करें टूटी हुआ मैं दे और मरिए गला करें पटक लगी सो अब वो चलो ना जाते। तो बाबा से मिलते हैं लोग तो सब ठीक हो जाता है, तो आप भी मुलाकात करिए ना। तो मिलते हैं ठीक हो ना, फिर बैठे कैसे? अच्छा ठीक हो गए? हाँ ठीक हुई है। अच्छा आपको भी कोई समस्या थी? कहा समस्या सही है, समस्या सही है, देखो चमत्कार है और कहा है चमत्कार कर देते हैं बाबा। अरे क्यों हमारे देखो तुम सब जने क्यों आज आ जाते, आज भादर नगर जी प्रभु ना होते तो तुम कैसे आ जाते यहाँ पर? भादर नगर तुम जानते हो कहाँ? तो भादर नगर है। अम्मा सही कह रही, इतनी बड़ी घटना नहीं होती और कई सैकड़ों लोगों की जान नहीं गई होती तो हम यहाँ कैसे आते? कोई चल तो फिर तो मैं मर गया है जहाँ तो प्रभु कर जाए मेरे का घटना आएगा भगवान को कहाँ? अरे कोई ना का तो घटना खुद मैं खुद मत जैसे मैं कर्म करके आए हैं ना, जैसे कर्म मैं करके आए तैसे ही मरेंगे, तैसे ही भोगेंगे। मैंने अच्छे कर्म करे तो अच्छे भोगेंगे, खराब कर्म करे खराब भोगेंगे। देखिए इधर भक्तों के बीच में हम बाबा जी के भक्तों के बीच में मौजूद थे और भक्त लोग जो जो अपनी अपनी बातें रखे, बाकी आप सभी लोग वीडियो देख कर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। यहाँ थोड़ा से हम लेंगे, देखिए ये चौकीदार लोग हैं और इस गेट की जो ये गेट बना हुआ है इनकी रक्षा करते हैं 24 घंटे यह लोग। यहाँ पर अंदर जाना किसी को अलाउ नहीं है, यहाँ पर अंदर कोई जा नहीं सकता इस गेट के अंदर, सही है? सही है, कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। अच्छा यहाँ पे जब से ये घटना हुई कोई आया अंदर जाने के लिए बोला कि नहीं? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ पर। अच्छा ऐसा क्यों है, किसी को अंदर क्यों नहीं जा, अंदर जाने क्यों नहीं देते? इजाजत नहीं है अंदर जाना। हाँ ये घटना हुई आप जानते हैं? घटना कहाँ से हैं आप? चलिए कहाँ से हैं आप? वास से हैं, रोजावास से। कितना दूर है यहाँ से? होगा 100-125 किलोमीटर। अच्छा ये 24 घंटा आप लोग ऐसे ड्यूटी लगी है, कितने कितने घंटे की? चार घंटे की, चार घंटे बाद चेंज होते रहते हैं। और इसी गेट के सामने जिस पे लिखा हुआ सत्य रूपी ज्वाला साकार विश्वहरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, इस गेट की रक्षा ये लोग करते रहते हैं। कितने दिन से कर रहे हैं सर? काफ़ी टाइम हो गया, 2016-17 जब से बना हुआ है। नहीं कम बाद, हाँ यानी जब से बना हुआ है आप नहीं कर रहे होंगे तो और लोग कर रहे हैं? और लोग कर रहे होंगे। यहाँ अंदर किसी को जाने की अनुमति है? किसी को नहीं है। ये गांव के लोग जो यहाँ के गांव के लोग हैं ये भी नहीं जाते? नहीं कोई नहीं जाते। फिर यहाँ पे जाता कौन है? वही आते हैं मान लो भोले बाबा आते हैं, वही जाते हैं, उन्हीं को जाया जाता बस, अकेले और कोई नहीं जाता? और कोई नहीं जाता बस। देखिए ये सिक्योरिटी गार्ड थे यहाँ के जो। अच्छा ये आप लोगों को कुछ तनख्वाह उनख्वाह दी जाती है या नहीं? ऐसा कोई कुछ नहीं है। आप लोग सरकार की तरफ से या निस्वार्थ वैसे ही बाबा की तरफ? हाँ ये लोग बाबा की तरफ से हैं और यहाँ पे 24 घंटे इसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, इस गेट की सुरक्षा करते हैं और इस गेट के अंदर जाने की किसी की अनुमति नहीं है।
यहाँ तक कि ये गांव के आसपास के लोग या गांव के लोगों को भी जो इस गेट के सामने एक रोड है, अंधेरा हम नहीं तो आपको दिखा देते, उस रोड के उस बगल गांव चालू होता है और उस गांव के लोग भी इसके अंदर नहीं जा सकते। आज तक इसमें किसी ने अंदर नहीं गया है सिवाय भोले बाबा के। वो आते हैं तो इसमें जाते हैं, हालांकि बताया जा रहा कि बाबा 2012 से यहाँ पे आए ही नहीं, और कोई कह रहा कि 2023 में एक घंटे के लिए आए थे। बाकी आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।